पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय मजमा लग गया जब ग्राम सभा डिडोली के ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह और गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्राम पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंच गए और अपने गांव को बदनामी से बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। पूरा मामला लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर और हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिडोली ग्राम सभा के लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक से ये गुहार लगाई गई कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर गांव के बाहर कई सारे होटल संचालित किए जा रहे हैं जिनमें अनैतिकता के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें फरोशी के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। लगातार वहां पर हो रहे अनैतिक कार्यों को लेकर हरचंदपुर की पुलिस को अवगत भी कराया गया, मगर उन्होंने कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा। अब उनको लगा कि ग्रामीणों के अंदर आक्रोश पनप रहा है, तो उनके द्वारा एक होटल पर छापा मारकर कुछ लड़के और लड़कियों को पकड़कर कागजी कोरम पूरा कर लिया गया। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं जिला संयोजक चुनाव प्रबंधन विभाग भारतीय जनता पार्टी रायबली से। आज मैं अपने गांव के, मेरा गांव थाना हरचंदपुर के अंतर्गत डिडोली आता है, मैं वहां का मूल निवासी हूं। वहां पे त्रिपुला चौराहे से और डिडोली तक लगभग 10 होटल संचालित हैं, जिसमें काफ़ी समय से कुछ गलत गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। मैंने सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर जो पहल होनी चाहिए वो सारी पहलें कर ली। जब थाना स्तर पर नहीं संभल पाया तो आज मैं कप्तान साहब के पास अनुरोध करने आया हूं कि वो अपने स्तर से इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाएं। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी आश्वासन की तो बात नहीं, जहां तक मेरे सरकार का निर्देश है और मुझे जानकारी है, जो 12 बजे तक जनता दर्शन होता है, लेकिन हम लोग लगभग 11 बजे आए हैं यहाँ, कप्तान साहब तो मिले नहीं, अनुपस्थित मिले हैं। कौन सी गलत गतिविधियाँ हो रही हैं? गतिविधियाँ वहाँ पे आए दिन होटल संचालकों के द्वारा बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, एक एक दो दो घंटे के लिए रूम दिए जाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।